सभापति महोदय, मैं सदन के सभी सदस्यों का मन का भाव समझ रहा हूं। कुछ औचित्य भंग भी होता होगा ये आनंद की अभिव्यक्ति से, मगर 70 साल से जो टीस दिल के अंदर सब लोग संजो कर बैठे हैं, दबाकर बैठे हैं, और वो टीस जब समाप्त होने का समय आता है तो आनंद की अभिव्यक्ति को औचित्य भंग के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। ये देश का बच्चा बच्चा ये बोलता है, कहीं पर भी जाए, बंगाल में जाए, तमिलनाडु में जाए, गुजरात में जाए, महाराष्ट्र में जाए, उत्तर प्रदेश में जाए, कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मैं इतना पूछना चाहता हूं, कभी हम क्यों नहीं बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है? कभी हम क्यों नहीं बोलते हैं कि पंजाब भारत का अभिन्न अंग है? कभी क्यों नहीं बोलते तमिलनाडु भारत का अभिन्न अंग है? वो इसलिए बोलना पड़ता है सभापति महोदय कि 370 ने इस देश और दुनिया के मन में एक शंका आरोपित की थी कि कश्मीर भारत का अंग है या नहीं है। संविधान के अंदर इसकी बड़ी क्लैरिटी है, मगर जनमानस के अंदर, दुनिया के अंदर एक संशय था। और मैं आज बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि उनके साहस के कारण आज ये कलंक हम पे था। धारा 370, सभापति महोदय भाषण हुए, धारा 370 भारत को कश्मीर से जोड़ती है, धारा 370 भारत को कश्मीर से नहीं जोड़ती है, धारा 370 भारत और कश्मीर को जोड़ने से रोकती है। और आज वो रुकावट, ये सदन का अगर आदेश प्राप्त होता है तो आज ये रुकावट हमेशा के लिए दूर हो जाए। सभापति महोदय, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, ओवैसी साहब और एक दो लोगों के अलावे किसी ने विरोध धारा 370 हटाने का नहीं किया है। स्पष्टता से धारा 370 वो भी चाहते हैं न हटे, मगर साहस नहीं है कहने का, साहस नहीं है। और वो भी चाहते हैं धारा 370 हटे, मगर वोट बैंक बीच में आती है कि हमारी वोट बैंक क्या सोचेगी। मैं बताना चाहता हूं सभापति महोदय कि धारा 370 आज इस सदन के आशीर्वाद से समाप्त हो जाएगी, और ये क्षण देश के इतिहास में सुवर्ण अक्षर से लिखा जाएगा। और मैं आज फिर से एक बार मेरे नेता और देश के प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति को सत सत नमन करना चाहता हूं, जिस दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने साहस का परिचय दिया और धारा 370 को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सभापति महोदय, मेरी बात धारा 370 की बाद में करूंगा, पहले काफी सारे सदस्यों ने हिस्सा लेते हुए कुछ चीजों की के बारे में जानना चाहा है, कुछ मुद्दे भी उपस्थित किए, इसका मैं सबसे पहले जवाब दूंगा। काफी सारे विपक्ष के सभ्यों ने कहा है, सम्मानीय सदस्यों ने कहा है कि ये यूटी हमेशा के लिए है या क्या, यूटी क्यों बनाई, यूटी कब तक रहेगी। मनीष तिवारी जी ने कहा, बहन सुप्रिया सुले ने कहा, अधीर रंजन विवीद जी ने भी कहा। मैं मगर स्पष्ट करना चाहता हूं इस सदस्य के माध्यम से पूरे देश के सामने और विशेषकर घाटी के लोगों के सामने, जम्मू के लोगों के सामने, कि जहां तक यूटी का सवाल है, परिस्थिति सामान्य होते ही उचित समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा देने में इस सरकार को कोई आपत्ति नहीं। और मैं आगे भी कहना चाहता हूं, माननीय एक मुद्दा किया उठाया गया कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर दे दिया, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी दे ही नहीं सकते। आज भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 की 24 सीटें हमारा हिस्सा रहने वाली है, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर हमारा दावा इतना ही मजबूत है जितना पहले था।